हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर 7, नेम इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो फर्स्ट हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम मल्टीपल्स का इंट्रोडक्शन समझेंगे। व्हाट इज द मल्टीपल्स? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल इज मैनीफोल्ड। इन मैथ द मीनिंग ऑफ मल्टीपल इज द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीपल बाय एनो अदर नंबर। यानी कि उसका मीनिंग क्या होगा, कोई भी एक नंबर्स होगा, वो नंबर अगर हम दूसरे नंबर के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो क्या होगा, हमें अदर नंबर यानी कि हमें दूसरा नंबर मिलेगा, प्रोडक्ट होगा। क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट यानी कि नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो नंबर्स है उससे दो या तीन से दुगना क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, यानी कि नंबर बढ़ता है। तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, एग्जांपल 2। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20। यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2 नंबर्स है, और बाकी के जितने भी नंबर्स है क्या हो गए, प्रोडक्ट हो गए। यानी कि 2 नंबर से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। जैसे कि 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 9 18, 8 2 10 20। तो क्या हो गया, नंबर यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल्स यहाँ पे एक गेम की तरह यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। तो कैसे दी है, तो इफ अ फ्रॉग वेयर 2 सीट 1 एवरी 3rd स्टोन, कलर द स्टोन्स 1 विच इट विल सीट। यानी कि एक जो फ्रॉग है वो यहाँ पे एवरी जो 3rd स्टोन है वहाँ पे जाके क्या करेगा, वो बैठेगा। तो वो जो बैठ रहा है जो फ्रॉग, तो वो कौन से नंबर का मल्टीपल्स होगा, वो अभी यहाँ पे हम जानेंगे। ओके, यहाँ पे फ्रॉग है, ये फ्रॉग क्या कर, हर 3rd स्टोन पे जाके सीट करेगा यानी कि बैठेंगे। तो यहाँ 1, 2 यहाँ पे 3 हो गया, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8, 9। ओके, तो थर्ड हर जो कितने नंबर पे हो गए, 3rd नंबर पे हो गए, तो 3, 6, 9। नाउ लिस्ट द स्टोन्स दैट द फ्रॉग सिट ऑन, 3, 6, 9। ये जो 3, 6, 9 है कौन से नंबर के मल्टीपल्स हो गए, 3 नंबर के। तो इस तरह यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। फाइंडिंग मल्टीपल्स, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अदर नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 etc. यानी कि और भी नंबर्स यहाँ पे दे गए हैं। सो अ नंबर कैन हैव अनलिमिटेड मल्टीपल्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे, सपोज मल्टीपल्स ऑफ 6। तो यहाँ पे हमें 6 के मल्टीपल्स हमें फाइंड करना है। टू फाइंड अ मल्टीपल्स ऑफ 6, वी मल्टीप्लाई इट विथ 1, 2, 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। यानी कि बाकी भी यहाँ पे नंबर आ सकते हैं। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 किया तो क्या हो गया, 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो ये जो 6, 12, 18 वो सब क्या हो गया, 6 के मल्टीपल्स हो गए, आगे भी आ सकते हैं। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई 4 तो कितना होगा, 6 4 जा 24। तो 24 फिर 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 6 10 जा 60। ये सब क्या हो गए, 6 के मल्टीपल्स हो गए। तो यहाँ पे दिया है ग्रीन बॉक्स में कि मल्टीपल ऑफ अ नंबर, द नंबर मल्टीप्लाई एनी नंबर, यानी कि जो नंबर दिया है, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर दिया है और ये 6 नंबर के साथ बाकी के एनी नंबर यानी कि अदर नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लस करना है। तो मल्टी
मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, नंबर प्रोडक्ट हो जाएगा। बच्चे अभी हम मल्टीपल्स के हम प्रॉपर्टीज़ की हम जानकारी लेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ का अदर मीनिंग क्या होता है हिंदी में, प्रकार या गुण, और इंग्लिश में क्या होगा, प्रॉपर्टी का अदर नेम्स टाइप्स होंगे। तो सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स, अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ वन, यानी कि हर नंबर का वन क्या होता है, मल्टीपल होता है। जैसे कि वन मल्टीप्लाई वन तो क्या हो गया वन, वन मल्टीप्लाई टू तो क्या हो गया टू, वन मल्टीप्लाई थ्री तो क्या हो गया थ्री। तो इस तरह से क्या होगा, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ वन, यानी जितने भी नंबर से वो नंबर हम वन के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, और उसका आंसर क्या होगा, इट्सेल्फ आई होगा, जो नंबर होगा वही होगा। ओके, टू मल्टीप्लाई टू टू, वन मतलब थ्री। तो इस तरह से क्या होगा, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज ए नंबर इट्सेल्फ, जैसे मैंने पहले यहाँ पे एग्जांपल में बता दिया, इसी तरह यहाँ पे भी होगा। वन मल्टीप्लाई टू इक्वल टू, वन मल्टीप्लाई थ्री इक्वल थ्री, वन मल्टीप्लाई फोर इक्वल फोर, यानी कि नंबर क्या होगा, इट्सेल्फ होगा। यहाँ पे टू है तो टू, थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, तो यहाँ पे क्या होगा, इट्सेल्फ नंबर हो जाएगा। थर्ड, अ नंबर कैन हैव इन्फिनेट मल्टीपल्स, इट मीन्स दैट देर इज नो लिमिट ऑफ द मल्टीपल्स वी कैन गेट बिकॉज वी कैन कीप ऑन मल्टी प्लाइंग, यानी कि उसका मीनिंग क्या होगा कि, यानी कि जो भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, हम कोई भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ, कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी क्या होता है, नंबर ग्रेटर देन हो सकता है, कभी इक्वल भी हो सकता है। तो यहीं पे कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल। नेक्स्ट, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन यानी कि सामान्य, यानी कि यहाँ पे दो नंबर्स दिया है, जैसे कि यहाँ पे है मल्टीपल्स ऑफ टू और मल्टीपल्स ऑफ थ्री, तो यहाँ पे टू का यहाँ पे आंसर है टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, एटीन। ओके, और नेक्स्ट थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, एटीन, आगे भी नंबर आ सकता है। ओके, यानी जैसे कि थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, और थ्री टेन जा थर्टी, बट यहाँ पे इतने नंबर दिए हैं। तो उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन, यानी कि हमें यहाँ पे ये जो मल्टीपल ऑफ टू है और मल्टीपल ऑफ जो थ्री है उसके जो आंसर है, वो आंसर में से हमें क्या ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन यानी कि दोनों नंबर में क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर, यानी कि सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि पेयर बनाना है, यानी कि जोड़, क्या बनाना है हमें यहाँ पे, जोड़ बनानी है, यानी कि सिक्स है तो ये सिक्स हो गया, तो ये इक्वल नंबर भी हो गया और दोनों की क्या हो गई, एक जोड़ बन गई, यानी कि यहाँ पे सिक्स क्या निकला है, कॉमन। इसी तरह ट्वेल्व और ट्वेल्व, एटीन एंड एटीन, यानी कि दोनों नंबर कैसे होना चाहे, समान होने चाहे, तो वो जो समान नंबर को हम पेयर बनाएंगे तो क्या निकलेगा, वो कॉमन निकलेगा। तो सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू एंड थ्री आर सिक्स, ट्वेल्व एंड एटीन। तो इस तरह से हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल हियर गिवन, मल्टीपल्स ऑफ फोर एंड मल्टीपल्स ऑफ फाइव। तो फोर यहाँ पे फोर, एट, ट्वेल्व, सिक्सटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी एट, थर्टी टू, थर्टी सिक्स, फोर्टी, फोर्टी फोर, फोर्टी एट, फिफ्टी टू, यहाँ तक का दिया है। और मल्टीपल्स ऑफ फाइव, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, थर्टी, थर्टी फाइव, फोर्टी, फोर्टी फाइव, फिफ्टी, यस। तो यहाँ पे आंसर होगा द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ फोर एंड फाइव आर ट्वेंटी एंड फोर्टी,
यानी कि ये जो 20 and 20 सेम नंबर 40 and 40 सेम नंबर थे, यहाँ पे क्या हो गई, दोनों की पेयर्स यानी कि जोड़ बन गई। यहाँ पे 20 और 40 क्या निकले हैं, दोनों कॉमन नंबर। नेक्स्ट ओड एंड इवन नंबर्स, तो ओड एंड इवन नंबर्स, यस तो ओड नंबर्स, द नंबर्स विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है, 2 है, तो ये 2 का जितने भी जो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि 1, 3, 5, 9, 11, 13, 313, 451, 899, 6155, ये जितने भी ये जो नंबर्स है वो सब क्या है, ओड नंबर है। यहाँ पे रिमेंबर में बॉक्स में दिया है कि अ नंबर इज ऑड और इफ इट लास्ट डिजिट एंड्स विथ 1, 3, 5, 7 और 9। यानी कि जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और ये जो 9 है, ये क्या है, ओड नंबर है। ये तो जो भी नंबर्स अगर हम लिखेंगे उसके जो लास्ट जो डिजिट होता है वो क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 9 होगा, तो नंबर हो जाएगा ओड नंबर। जैसे कि यहाँ पे 3, 5, 9 हो गया, फिर यहाँ पे 11, तो लास्ट 11 है, ओके, तो यहाँ पे 11 में लास्ट क्या है, 1 है। फिर यहाँ पे 3 है, 13 है, 1 है, 9 है, 5 है, तो ये सब क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। नेक्स्ट इवन नंबर, इवन नंबर जिसमें क्या होता है, जोड़ बन सकती है, जैसे कि 2 and 2 4 हो गए, 3 and 3 6 हो गए, तो ऐसे जो नंबर होंगे वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे दिए है 2, 4, 6, 10, 112, 658, 1056, etc, यस। यानी कि लास्ट नंबर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, ओके, 0, 8, ये सब क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। तो यहाँ पे हम ऑड नंबर किसको कहते हैं और इवन नंबर किसको कहते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ चुके हैं, और आई होप के बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों हमने जो मल्टीपल्स का जो इंट्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्सरसाइज 7A, क्वेश्चन 1, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग, चेक, इज 69 अ मल्टीपल ऑफ 8, इज 125 अ मल्टीपल ऑफ 5। क्वेश्चन 3, फाइंड 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन 5, राइट ट्रू और फ्लोस। 6, फाइंड अ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 4 दैट लाई बिटवीन 3 and 30। क्वेश्चन 7, कलर द इवन नंबर्स ग्रीन एंड द ओड नंबर्स रेड। यानी कि इवन नंबर में क्या करना है, ग्रीन कलर करना है, और ओड नंबर में क्या करना है, रेड। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 7A है, वो अभी हम नोटबुक में सॉल्यूशन करेंगे।